नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम आपको विश्व के महाजन समूह के बारे में बता रहे थे। आज के वीडियो का हमारा टाइटल रहेगा जनसंख्या घनत्व के बारे में। इस वीडियो में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने की विधियाँ और विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण की स्थिति के साथ साथ में जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित और प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम हम चलते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है और संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का फैलाव या वितरण जो होता है वो तो प्रादेशिक आधार पर असमानताओं को दर्शाता है। जनसंख्या फैलाव की चर्चा हमने जनसंख्या वितरण में की थी। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के फैलाव की एक माप की एक विधि होती है, जिसमें किसी क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या फैली हुई है इसका परिकलन किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष के अंदर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या और उस देश के कुल क्षेत्रफल के बीच जो अनुपात पाया जाता है उसी को जनसंख्या घनत्व के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को भी जनसंख्या घनत्व के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व किसी राज्य या देश की जनसंख्या फैलाव की स्थिति को दर्शाता है। जिस देश में जितना अधिक जनसंख्या घनत्व मिलेगा वहाँ जनसंख्या का फैलाव उतने ही अधिकता को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व की स्थिति के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली मानव बसाव के लिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। यदि उच्च जन घनत्व की स्थिति देखने को मिलती है तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा क्षेत्र मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके विपरीत यदि न्यून जन घनत्व देखने को मिलता है तो ऐसा क्षेत्र मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियों वाला क्षेत्र होगा। जनसंख्या घनत्व का परिकलन करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गणितीय विधि वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलती हैं। गणितीय विधि में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात मान लीजिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1500 व्यक्ति हैं और उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो ऐसी स्थिति में हम कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं और जो चीज़ फिर हमारे सामने निकल कर आती है वो जनसंख्या घनत्व के रूप में निकल कर आती है। यहाँ 1500 में यदि 100 का भाग दिया जाए तो ऐसी स्थिति में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 व्यक्ति होगी। यहाँ 15 हमारा जनसंख्या घनत्व के रूप में पहचाना जाएगा। हमारे भारत की कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस कुल जनसंख्या में यदि कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या के ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ साथ उस क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी ज्ञात होना आवश्यक होता है। दोनों स्थितियां ज्ञात होने के बाद उसका परिकलन कर लिया जाता है। इसे ही गणितीय विधि के नाम से जाना जाता है। गणितीय विधि के अलावा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की अन्य विधियां भी हैं, जिनमें आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, पोषण घनत्व, कारिक घनत्व आदि को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। जनसंख्या घनत्व की स्थिति संपूर्ण विश्व में समानताओं को प्रदर्शित नहीं करती।
अपितु प्रादेशिक आधार पर इसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के समान ही हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक और पर्यावरणीय कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौगोलिक कारकों के अंदर भी स्थलाकृति को, जलवायु संबंधी दशाओं को, मृदा की संरचना को और जल उपलब्धता की स्थिति को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। आर्थिक कारकों में कृषि संबंधी दशा को, उद्योग धंधों को, खनिजों के वितरण या खनिजों के जमाव की स्थिति को और यातायात परिवहन संबंधी दशाओं को शामिल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के रूप में आचार विचार, रहन सहन, खान पान, तीज त्यौहार, वंश परंपरा आदि को शामिल किया जाता है। धार्मिक कारकों के रूप में धर्म, संप्रदाय, जाति व्यवस्था आदि को शामिल किया गया है। राजनीतिक कारकों के रूप में किसी राज्य के पड़ोसी राज्यों के साथ मिलने वाले संबंधों, आतंकवादी गतिविधियों, पारस्परिक वैमनस्यता की स्थितियों, प्रशासनिक प्रक्रिया और कर प्रणाली को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पर्यावरणीय कारकों के अंदर मानव संसाधन संबंधों, पर्यावरण की स्थिति, उस क्षेत्र में संपन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। ये सारी दशाएं ऐसी हैं जो किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या घनत्व या उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी सिद्ध होती हैं। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां इनमें से अधिकांश दशाएं मानवीय बसाव के लिए अनुकूल होती हैं, उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का फैलाव देखने को मिलता है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी उच्च देखने को मिलता है। इसके विपरीत विश्व के ऐसे भाग जहाँ मानवीय बसाव के लिए दशाएं अनुकूल नहीं होती, वहाँ जनसंख्या का फैलाव कम पाया जाता है तथा जनसंख्या का फैलाव कम मिलने से उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की स्थिति भी कम देखने को मिलती है। यदि हम हमारे भारतीय क्षेत्र की चर्चा करें तो हमारे भारतीय क्षेत्र में उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है वह मानवीय बसाव के लिए अधिकांश अनुकूलताओं को दर्शाता है, यथा भूमि का समतल होना, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होना, उद्योग धंधों का विकास होना, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, मिट्टी का उपजाऊपन। ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो मानवीय बसाव के लिए अनुकूल हैं। यही कारण है कि भारत के मैदानी भागों में शामिल किए जाने वाले राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व की स्थिति को दर्शाते हैं। बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ में भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। इसके विपरीत भारत के ऐसे राज्य जहां मानवीय बसाव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, उन राज्यों में जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। भूमि का उत्खात होना, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति न होना, सिंचाई के साधनों की कमी, कृषि का पर्याप्त मात्रा में संपन्न न हो पाना, ये सारी ऐसी दशाएं हैं जो जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसी कारण ऐसी दशाओं वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की प्रक्रिया भी हमें कम देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का पश्चिमी भाग कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जहां जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ में हमारे भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। जनसंख्या घनत्व की प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर भी विषमताओं को दर्शाती है। विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। इसके विपरीत विश्व में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां न्यूनतम जनघनत्व की स्थिति हमें देखने को मिलती है। विश्व में जनसंख्या घनत्व का जो वितरण पाया जाता है, उसी को आधार मानकर संपूर्ण विश्व के
जनसंख्या घनत्व की स्थिति को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। यदि हम जनसंख्या घनत्व की स्थिति को आधार माने तो हमारे विश्व में जनसंख्या घनत्व के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला उच्च जन घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम जन घनत्व वाले क्षेत्र और तीसरा न्यून जन घनत्व वाले क्षेत्र। सबसे पहले हम उच्च जन घनत्व वाले क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां मानवीय बसाव के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भागों की प्रधानता, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति, कृषि के लिए आदर्श दशाओं का विद्यमान होना, उद्योग धंधों की बाहुल्यता, खनिजों की प्रधानता, संबंधित क्षेत्र का आसपास के क्षेत्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ होना तथा रोजगार संबंधी दशाओं की प्रधानता आदि के द्वारा किसी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को नियंत्रित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में आदर्श दशाओं के कारण अधिक जनसंख्या का फैलाव पाया जाता है, जो अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी होता है। विश्व में उच्च जन घनत्व की जो स्थिति देखने को मिलती है वो हमें ऐसे ही भागों में देखने को मिलती हैं। यदि हम चर्चा करें भारत में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, चीन में शिक्यांग और यांग्टी शिक्यांग का मैदानी भाग, जापान में कोबे ओसाका और हांगो नदी घाटी क्षेत्र, पाकिस्तान में सिंधु और सतलज नदियों का मैदानी भाग, यूरोप पश्चिमी यूरोप में नदियों के द्वारा निर्मित किए गए मैदानी भाग और खनिजों की पेटियों वाले क्षेत्र, म्यांमार में इरावदी नदी का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी भाग में जो महान झीलों के द्वारा क्षेत्र निर्मित किया गया है वो क्षेत्र, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानवीय बसाव के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं और इसी कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का विशाल सांद्रण पाया जाता है। जनसंख्या के विशाल सांद्रण की स्थिति के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की स्थिति उच्च पाई जाती है। यदि देशों के आधार पर देखा जाए तो बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाला देश है। नगरीकृत राष्ट्रों की चर्चा की जाए तो सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की स्थिति को दर्शाने वाला नगरीकृत देश है। ठीक इसी प्रकार विश्व के अलग अलग भागों में जहां इस प्रकार की अनुकूलतम दशाएं देखने को मिलती हैं उनमें जनसंख्या घनत्व की प्रक्रिया उच्च जनघनत्व की स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां न तो मानवीय बसाव के लिए अधिक आदर्श परिस्थितियां पाई जाती हैं और न ही मानवीय बसाव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, अपितु जहां मध्यम परिस्थितियां देखने को मिलती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण भी मध्यम स्थिति को दर्शाता है। ऐसी मध्यम स्थिति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। कम जनसंख्या घनत्व मिलने के कारण ऐसे क्षेत्र मध्यम वितरण की स्थिति को दर्शाते हैं। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जो प्राय आंतरिक भागों के रूप में शामिल किए जाते हैं या पठारी भागों के रूप में शामिल किए जाते हैं उनमें मध्यम जनसंख्या घनत्व की स्थिति हमें देखने को मिलती है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जिसको कहा जाता है न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। देखिए बच्चों, न्यून जनसंख्या घनत्व विश्व के उन्हीं भागों में देखने को मिलेगा जहां मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि का उत्खात होना, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति न होना, कृषि के लिए आदर्श दशाएं न होना, रोजगार की कमी, खनिजों का सांद्रण न होना, साथ साथ में भूमि का अनुपजाऊ होना, जलवायु संबंधी प्रतिकूल दशाएं इसमें शामिल की जाती हैं। विश्व में मिलने वाले अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जो टुंड्रा प्रदेश के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें हम सतत हिमाच्छादित प्रदेशों के रूप में जानते हैं, साथ में विश्व में मिलने वाले अति शुष्क और उष्ण क्षेत्र जिनको हम मरुस्थली भागों के रूप में जानते हैं, पर्वतीय भाग जो ऊबड़ खाबड़ भागों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं तथा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र जिन्हें हम भूमध्यरेखीय भागों की श्रेणी में शामिल करते हैं, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मानव कम मात्रा में बसना चाहता है। यहाँ मिलने वाली विपरीत परिस्थितियों के कारण ऐसे क्षेत्रों में
जनसंख्या का फैलाव बहुत कम पाया जाता है। कम जनसंख्या वितरण मिलने की प्रक्रिया के कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व की स्थिति भी बहुत कम देखने को मिलती है। साइबेरिया का उत्तरी भाग, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, अफ्रीका के भूमध्यरेखीय क्षेत्र, यूरोप के भूमध्यरेखीय क्षेत्र, एशिया का पश्चिमी भाग, एशिया के पर्वतीय क्षेत्र, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मानवीय बसाव के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होते। ऐसी विपरीत परिस्थितियों वाले भागों में जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम मिलने के कारण जब हम गणितीय घनत्व का परिकलन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घनत्व की स्थिति भी कम देखने को मिलती है। ओसानिया विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके विपरीत एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है जहां जनसंख्या घनत्व लगभग 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। जनसंख्या घनत्व की प्रक्रिया पर किसी क्षेत्र विशेष से संपन्न होने वाले प्रवसन की प्रक्रिया, जन्म दर की प्रक्रिया और मृत्यु दर संबंधी दशाओं का भी विशेष योगदान रहता है। जिन क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों से अप्रवासियों का आगमन अधिक होता है वहाँ धीरे धीरे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होने लगती है। इसके विपरीत विश्व के जिन क्षेत्रों में उत्प्रवासन की प्रक्रिया अप्रवासन की तुलना में अधिक संपन्न होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में संपन्न होने वाली जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया भी जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होती है। यदि क्षेत्र विशेष में संपन्न होने वाली जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया धनात्मक स्वरूप में हमें देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जनसंख्या घनत्व में धीरे धीरे वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक स्वरूप में देखने को मिलता है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाली सरकारी नीतियाँ, प्रवर्धन संबंधी नियमों, शिक्षा के स्तर और देश विशेष की आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो प्रारूप होता है उसके द्वारा भी जनसंख्या घनत्व की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। एक अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र हमेशा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का स्थल होता है। क्षेत्र विशेष में अधिक जनसंख्या घनत्व का मिलना विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसके विपरीत यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम मिलता है तो जनसंख्या का कम घनत्व भी हानिकारक सिद्ध होता है। उच्च जनसंख्या घनत्व और अति न्यून जनसंख्या घनत्व दोनों ही मानवीय विकास के दृष्टिकोण से प्रतिकूल माने जाते हैं। इसके विपरीत विश्व के जिन क्षेत्रों में मध्यम जनसांख्यिकीय घनत्व की स्थिति देखने को मिलती है या अनुकूलतम जनसंख्या घनत्व की स्थिति देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का स्वरूप भी विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। विश्व में टुंड्रा प्रदेशीय भाग, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय भागों और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों, इनमें जनसंख्या घनत्व की स्थिति न्यून मात्रा को प्रदर्शित करती है। शुष्क मरुस्थलों की चर्चा की जाए तो सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, नामीबिया मरुस्थल, सोनोरन का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल और थार का मरुस्थल, ये सभी क्षेत्र प्राय निर्जन जनसंख्या वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। राजस्थान में मिलने वाला थार का मरुस्थल विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है। इसके अलावा अन्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं प्राय जनविहीन क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण उच्च तापमान की स्थिति और वर्षा का कम मात्रा में मिलना शामिल है। जनसंख्या घनत्व के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं, साथ साथ में वहां संपन्न होने वाले जनसंख्या परिवर्तनों की प्रक्रिया भी जनसंख्या घनत्व के माध्यम से आकलित की जा सकती है। किसी क्षेत्र विशेष में मिलने वाले आर्थिक संसाधनों और वहाँ की जनसंख्या के बीच विशिष्ट संबंध देखने को मिलता है। उच्च जनघनत्व की स्थिति जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से
विपरीत परिस्थिति को प्रदर्शित करती है तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या के लिए एक विशिष्ट सूचक का कार्य करता है जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या का हम आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व संबंधी जो हमारा ये वीडियो था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।